अरे नहीं, आसपास वाले। आसपास वाले यार भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एंड आज हम लोगों ने हमारे बड़े बकरे सारे हमारे न्यू वाले शेड में कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली। एंड एक दिक्कत है कि यहाँ पर सुबह को जैसे अभी फिलहाल 8:30-9 बजे का टाइम हुआ है, इधर धूप आती है हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्की हल्की धूप है। ये देखिए इस तरफ सारी तरफ धूप है, तो ये धूप फटाफट से हमको ख़त्म करनी पड़ेगी। धूप तो नहीं ख़त्म कर सकते लेकिन हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि हम फीडर ना इस तरफ रखेंगे। मैं अपने बड़े बकरों को धूप लगाना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा हूँ, बिल्कुल भी इनको धूप ना लगे। कब तक? 10-11 बजे तक, क्योंकि ये सुबह की जो मॉर्निंग की आलस वाली धूप है इसमें अगर बकरा बैठ गया तो बहुत परेशान करेगा। चलो जाओ। और अभी बकरे यहाँ पर सेट होने में भी नौटंकी दिखाएंगे 1-2 दिन, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिन में जब बकरे यहाँ सेट हो जाएंगे तो बहुत अच्छा खाएंगे। अभी यहाँ पर भी और स्पेस है तो यहाँ पर काफ़ी सारे फिटर आ जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बकरे जैसे वहाँ पर खाते थे बहुत ज़्यादा बिच बिच के, यहाँ पर देखो बहुत सुकून से खाएंगे इंशाल्लाह। अभी 10 बकरे और रहते हैं और यहाँ पे जगह इतनी है, बहुत जगह है इंशाल्लाह। यहाँ पर बकरों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा, ये मेरा पर्सनल डिसीजन था। यहाँ पर पूरे फार्म का डिसीजन था नहीं उनका, ये था कि नहीं वहीं पर बेस्ट है, वहीं पर पंखे लगाएंगे, लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन था कि हम यहाँ पर अपने बकरे रखेंगे। पर्सनल डिसीजन इसलिए था क्योंकि मुझे मालूम है हमने पिछले साल जब किया था बकरों को गर्मी नहीं बर्दाश्त होती, बड़े बकरों को स्पेशली। याद रखना जितने भी आप लोग बकरे पालते हो, आपके छोटे बच्चे होंगे 50-60-70 किलो के, वो झेल लेंगे गर्मी, लेकिन 100+ के जानवर को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। सर्दियों में बकरा नहीं ख़राब होता, सर्दियों में सिर्फ बकरे को ठंड से बचाना होता है, बाकी वो बहुत अच्छा खाता पीता है। लेकिन गर्मियों में बकरे को डाइट भी चुभती है, धूप भी चुभती है, मौसम भी परेशान करता है, मक्खी कीट पता नहीं क्या क्या चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें होती है गर्मियों में कि आप समझ भी नहीं पाओगे कब आपके बकरे वेट तोड़ना शुरू कर देंगे। तो याद रखना गर्मी में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी संभल के अपने बकरों पर ध्यान देना ताकि आपके बकरों को ये दिक्कत ना आए। अभी देखो सारे बकरे कैसे खड़े हैं अभी, लेकिन ये ज़्यादा दिन की दिक्कत नहीं रहेगी इंशाल्लाह, 2-4 दिन में बकरे यहाँ पर सेट हो जाएंगे। नई नई जगह पर हर जानवर दिक्कत करता है। अभी ये मेरे हिसाब से जब से फार्म इधर आया था 3rd-4th महीना है मेरे हिसाब से, ये 3rd महीना है, और 3 महीनों में बकरों ने वहाँ से बाहर कभी खाया नहीं था। एकदम से उनको यहाँ खिलाया जाएगा तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह तो उस जगह से बेहतर यहाँ पर खाएंगे। हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि सुबह शाम सारा जितना भी खिला रहे हैं वो सारा मेज़र कर रहे हैं कि हमारे बकरों में सर्दियों में कितना खाया था और गर्मियों में कितना खा रहे हैं। सर्दियों में अल्हम्दुलिल्लाह बकरों ने बहुत अच्छा खाया था, बहुत अच्छा, और अभी मेरे हिसाब से 20 किलो पत्ती का गैप आ चुका है इस महीने में ही बकरों ने कम कर दिए खाने। गर्मियों में बकरा कम करता है खाना, ये बात हकीकत है, क्योंकि गर्मियों में बहुत सारे मसले आते हैं, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बकरे टिक्स से बिल्कुल बच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। चने का कभी कभी ये रिएक्शन आता है, देखो सुबह के टाइम ही बकरा ब्लोट में, तो हम लोग इसको पिला रहे हैं टायरल का सिरप, ठीक है, पता कैसे करें गैस है, ये देखो डब डब के आवाज़ आ रही है ना, ये गैस। इंशाल्लाह 15-20 मिनट में इसको शिफा मिल जाएगी इंशाल्लाह। क्या कह रहे हो? डाइट प्लान बता देंगे, डाइट प्लान पे सुबह से शाम तक क्या क्या दे देना चाहिए। अभी क्या क्या दे रहे हो आप पूरे दिन में? पूरे दिन में बहन मैं सुबह निकालते हैं उनको कुछ भी नहीं देता हूँ, 10 बजे करीब दाना डालता हूँ उनको। दाने में क्या डालते हो? दाने में जो बस ओनली। और इसके बाद? इसके बाद मैं उसको हरा चारा डालता हूँ, रचकाली का दाना आता है ना, जी जी वो डालता हूँ, दिन भर वही चलता है इनका। शाम को फिर जो कितने बकरे हैं अपने? बकरे 4 हैं, आपको वीडियो भी डाली है, एक बार कमेंट तो देख लिया करो मेरे, कमेंट करता हूँ आपको व्हाट्सएप से। 4 बकरे हैं, क्या वजन है? वजन मैंने बहन तोला नहीं। एक आइडिया? आइडिया लमसम होंगे, आप देखो देखा आप ही बता सकते हो, इतना जानकार नहीं, 4 साल हो गए मुझे तो शौक पढ़ाई, यूँ मान लो आप तो शौक पड़ गया, तो काम मैके निकल करता हूँ तो मुझे शौक लग गया इस चीज़ का। फिर भी मुझे थोड़ा सा आइडिया तो दो कि 50 किलो तो छोटे हैं बड़े हैं, लमसम 55-50 तो वैसे ही। और नस्ल कौन सी है? नस्ल कोटा ब्रीड है। कोटा ब्रीड है, खस्सी है कि अंडू है? एक अंडू है उसके अंदर, देखना आप डबल कलर में, बाकी सब तीनों खस्सी है। तीनों खस्सी है। हाँ वीडियो डाल रखी मैंने आपको, आप चेक देखो उसको पहले फिर बताओ मुझे। मेरी बात सुनो, मैं आपको डाइट बता रहा हूँ। सुबह के टाइम पे जैसे आपने जो डाल दी, जो डाल दी सुबह से पहले, सबसे पहले आपने मसाला देना है उसको, ठीक है, भूखे पेट दोनों चारों को। हाँ ठीक है, 50 पानी में डाल के दे दो, पानी में अगर पीते हैं तो सूखा, खाते हैं तो सूखा खिला, जैसे आपके जानवर खुश हो इस तरह खिला लेना, ठीक है। अब उसके बाद तुम जैसे जो डाल रहे हो, हरी पत्ती नहीं मिलती आपके साइड? हरी पत्ती मिलती है ना, मिलती है। हाँ तो हरी पत्ती में मिक्स करके जो देना सुबह को। हरी पत्ती हमारे यहाँ तो टॉप से आएगी या फिर अभी कोटा में बेचने लगती है, फिर पर महंगी बहुत पड़ती है हमारे। महंगी कितनी महंगी पड़ती है यहाँ पे? मैंने पूछा था रेट तो 23-24 रुपये किलो बता रहे हैं। तो 23-24, मैं 26 रुपए किलो मंगाने वाला हूँ कल परसों को, वो भी टनों में, अब तुम खुद सोच लो।
हाँ तो फिर ज्यादा रेट बढ़ेगी तो इसको, मतलब ज्यादा 28 हो जाएगी हमारे पास। हाँ कितनी तो आएगी? मतलब ठीक है फिर रेट। हाँ रेट सही है, पत्ती खिलाओ, पत्ती बेस्ट है। रज का भी खिलाना, पहले पत्ती सुबह को हरी पत्ती मिक्स करके जो में हरी पत्ती मिक्स, ठीक है, मैंने आपको वीडियो देख रखा है। हाँ उसके बाद जैसे तुम रज का डालना चाहो रज का बांध देना, शाम तक के तुम्हारे बकरे को खा लेंगे। सुबह को ना चने भिगा लेना एक बकरे के, कम से कम 200 ग्राम के हिसाब से। एक बकरे के 200 ग्राम सुबह को भिगाने हैं, जो सूखे चने भिगेंगे 200 ग्राम। चारों के लिए एक बकरे की बता रहा हूँ, 200 ग्राम चना, सूखा चना, ठीक है। हाँ, सूखा चना भीग के ऐसा हो जाएगा 300-350, ठीक है। दोपहर के टाइम पे वो खिलाना, उसके बाद फिर चाहे रज का बांध देना, ठीक है। और शाम के टाइम पे उन्हीं बकरों को गेहूं लेना, एक बकरे पे कम से कम 300 ग्राम के हिसाब से। हाँ अच्छा, और एक शाम की डाइट बता रहा हूँ, ठीक है। दोपहर में आपने रज का चने दे दिए 4 बजे तक के, ठीक है। और उसके बाद 5-6 बजे करीब गेहूं मिक्स करके हरी पत्ती, हरी पत्ती गेहूं मिक्स करके उसमें हरी पत्ती के अंदर ही 300 ग्राम। हाँ और एक सिरप ले आना न्यूरोकाइंड का, न्यूरोकाइंड। हाँ, हाँ, वो सिरप स्टार्ट कर देना 10-10 ml सारे बकरों का। ये सुबह के टाइम दिन में दो उनको न्यूरोकाइंड हो तो पूछो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, रूटीन सेट कर लेना। सुबह करना चाहो सुबह, शाम करना चाहो शाम, जैसे भी आपको बेस्ट लगे। बस उसके साथ अपने मसाले साथ दे सकता हूँ, मतलब जैसे कोई मसाला दे दिया तो उसके थोड़ी देर बाद। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हो भाई, कोई डिफेक्ट नहीं उसका, कोई डिफेक्ट नहीं है। हाँ ठीक है, ये डाइट रखना और 10 दिन के बाद फिर मुझे बताना कि क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। मेरा एक क्या है वो काले कलर का है, करौली है जी जी, तो उसकी पेटी एकदम चिपकी हुई है, साथ दो दांत होने वाला है, वो दो दांत हो गया मतलब। कोई बात नहीं, आप अभी देखो, आपने अभी आज आपको मसाला मिला है, ठीक है। हाँ। अभी आप 10 दिन ट्राई करो पूरा और फिर मुझे अपडेट देना कि भाई मुझे ये फायदा दिख रहा है और ये कमी दिख रही है और ये फायदा हुआ, इसमें मुझे बताओ क्या करना है, ठीक है, बताते रहना। जी जी बिल्कुल, ओके ठीक है भाई, वालेकुम अस्सलाम। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितने भी भाई हैं आप लोग अगर मसाला यूज़ कर रहे हो तो मुझे, आपको फ़ायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं फ़ायदा हो रहा है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा, क्योंकि मैंने कल भी बताया था, हर एक इंसान को हर दवाई सूट नहीं करती, हर एक बकरे को हर सेम चीज़ें सूट नहीं करती। तो जो मैंने डाइट प्लान इस भाई को बताया, हो सकता है कि आपके बकरों पर वो ना चले, हो सकता है इसके भी बकरों पर ना चले, लेकिन अपना मेन मोटो है कि हम अपना जो कर रहे हैं फार्म पर जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं वो बताएं, अलग से कोई कहानी ना सुनाए कि भाई आप इसको ये दे दो वो दे दो, जो फार्म पर कर रहे हैं जिसमें सब कुछ मिल रहा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ मैं सभी मेरे व्यूवर्स से बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग हमारा मसाला यूज़ करते हैं, मैं पर्सनली उन सभी को डाइट प्लान सजेस्ट करता हूँ। अब अगर आप लोग मसाला नहीं यूज़ करते और आप मेरे को फ़ोन करते हो कि भाई डाइट बता दो, तो मैं यूँ नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि रीज़न है, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो, मेरे साथ काम करना चाहते हो कि हाँ भाई कादिर भाई बताओ, तो मैं वो चीज़ें बता पाऊँगा जो मैं मेरे फार्म पर यूज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पर एक भी ऐसा बकरा नहीं है जिस पर हम लोग मसाला नहीं चलाते, तो मैं आपको कैसे बता दूँ बिना मसाला खिलाए डाइट। होप आपको पूरा सिस्टम समझ में आया हो। सुबह के 10-10:30 बज चुके हैं, बकरे अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गए फार्म पर, थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं लेकिन 2-4 दिन में इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। लाइव स्टॉक बड़ा ट्रिकी होता है, इनको एक जगह से दूसरी जगह सेट करने में थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। अभी हम लोगों ने कुछ बकरे इस बाड़े से निकाल कर दूसरे बाड़े में कर दिए, क्योंकि वो अलग ही खाते थे, वो यहाँ पर भी मिलकर नहीं खा रहे, तो उनको उसी तरफ रखेंगे। और जो बकरे एक बाड़े में बहुत सारे थे उनको हमने इस तरफ ले आए, मैं आपको दिखा देता हूँ, उनको ये देखिए उस तरफ, वो जो बकरे थे उनको उसी तरफ कर दिया हमने, और बाकी बकरे इधर अल्हम्दुलिल्लाह है। अभी भी हैं इधर उधर, भागा दौड़ी में ज़्यादा लग रहे हैं। और जिस बकरे को गैस थी मैंने टायरल पिलाया था, ये देख लीजिए, ठीक है, जानवर चुगाल रहा है। अगर चुगाल रहा है तो उसका मतलब है कि ठीक है, पेट वेट का। और इन्होंने पत्ती वत्ती भी ख़त्म कर दी है, थोड़ी बहुत ही बची है, तो दोबारा पत्ते डलवाते हैं इसमें फटाफट से। बात तो सुनो, इसकी चाबी कहाँ है? सुल्तान को मालूम है, मैंने वहाँ रखी थी इसकी चाबी, चाबी ताला तो वहाँ रखा था। सब कुछ रेडी कर दिया मैंने मेरे कबूतरों के लिए, लेकिन अभी मालूम पड़ा कि इसकी चाबी खो दी है इन लोगों ने। अब मैं चाबी के बिना कबूतर कैसे खोलूँ यार। ओ सुल्तान, चाबी का कुछ पता लगा क्या? चाबी का यार है, मुझे क्या पता किसके पास थी। ताला तोड़ना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे बाहर आ गए। और इसका लुक देख लो आप बस, माशाल्लाह। रमज़ान के बाद टेस्ट ऐसे ही करने मुझे बस।
और एक गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि देखो मैंने यहाँ पर ना लकड़ी ला के रखी है। लकड़ी क्यों रखी है अभी पता लगेगा तुम्हें। हमारे कबूतरों ने घर बनाना शुरू कर दिया है, मतलब कि अंडा देने वाले हैं। ये आया बाहर और ये अभी लकड़ी लेके जाएगा। देखो ये उठाई लकड़ी, चलो माशाल्लाह। ये इसमें से चुनेगा कौन सी में लकड़ी बनेगी। ये लकड़ी सही लग रही है, ये अच्छी लग रही है, ये ठीक है। और अभी बाबूजी घूम रहे हैं कहीं से, पराल देख रहा है, बेहतरीन से चीज़ देख रहा है कुछ। दिलची भाई रस्सी पर तो ला गए। दिलची भाई तुमने छप्पर उधर बनाया, छप्पर इधर बना रहा। तू तेरा शेड बनाया हमने यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे फिट एंड फाइन और खा पी रहे हैं। ये शेड बनाया हमने यहाँ पर इनका इस तरीके से। सुबह के टाइम पे इधर रहा करेंगे और एंड मोमेंट पर नाइट में यहाँ रहा करेंगे। तो यहाँ की सफाई करा रहे हैं, यहाँ पर आग लगवा रहे हैं ताकि कोई भी अगर वायरल वगैरह हो तो यहीं पर ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि इनको फीवर आया था बकरों को, जिसके वास्ते मैं थोड़ा डर बैठ गया, तो उसके लिए मैं प्रिकॉशन कर रहा हूँ। भाई लोग बकरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन जो फीवर आया था उसके बाद से मुझे थोड़ा डर लगने लग गया। तो उसको करके हम यहाँ पर इनको आग लगवा रहे हैं। आग लगाने से वहीं के वहीं सारा वायरल ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर चूने का स्प्रे कर देंगे। ये बनाया हम लोगों ने यहाँ पर इनका, रात को यहाँ पर पर्दे डल जाएंगे और दिन में यहाँ पर। सारे बकरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेटअप सेट खा रहे हैं और अभी जुमे का टाइम हुआ है तो हम सभी लोग अभी नहा धो के बस फटाफट से नमाज की तैयारी करते हैं। आपको एक लास्ट अपडेट दे देता हूँ, काम की चीज़ है, इंशाल्लाह आप लोगों के फ़ायदे में रहेगी। आप लोग इतना टाइम देते हो मेरे व्लॉग्स में तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को एक एक चीज़ें अच्छी तरीके से समझाने का। ये देख लीजिए साबिर जी कैटल फिट प्राइवेट लिमिटेड किट डाइट मास्टर, अदंत बच्चों का, और ये डाइट मास्टर है बड़े बकरों का। अब ये चीज़ आती है, ये रखी है अजवाइन, ठीक है। अजवाइन सबको ही मालूम है क्या चीज़ होती है। और ये जब भी आपको लगे कि आपके फार्म पर कोई फीवर वीवर का वायरल फैल रहा है, जैसे नए बच्चे आए थे तो उनको फीवर आया था, तो मैंने इसमें फीवर, इसमें अजवाइन की धुनी दी है, मतलब कि धुआं हो रहा है ना इसमें, सब में अजवाइन डाल दिए और यहाँ से फ़िलहाल अजवाइन की धुनी बहुत अच्छे लेवल पर जा रही है, ठीक है। ये पूरे फार्म पर फैलेगा धुआं क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पर हो रहा है। ये देखिए बाहर भी जा रहा है, इनको भी जा रहा है। तो जहाँ भी आपको ऐसा लगे वायरल वगैरह का, तो वहाँ पर अजवाइन की धुनी बहुत ज़रूरी होती है देनी। कभी भी अल्लाह ना करे आपके फार्म पर, आपके घर पर PPR FMD वगैरह आए, तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट, सबसे पहली चीज़ है कि आप धुनी वगैरह करा करें। इसमें आप और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी मेरे पास अजवाइन थी तो मैंने अजवाइन डाली है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्म पर सभी बकरे फिट एंड फाइन है, लेकिन ये प्रिकॉशन है किसी वायरल के ना आने का, क्योंकि ये बच्चे जो आए थे बाहर से इनमें फीवर हो सकता है, वायरल हो सकता है, तो उस करके हम ये कर रहे हैं। और अब इंशाल्लाह कोई भी बच्चा जो नया आया करेगा वो इस बाड़े से बाहर नहीं निकलेगा। पहले हम लोग बाहर छोड़ते थे, अब नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम ज़रा सा भी रिस्क नहीं लेंगे, तो सेलिंग का पूरा सिस्टम ये रहेगा अब सारा यहाँ से। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग साबरी गोट फार्म। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हम लोगों को रमज़ान में दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।